दोस्तों, इंडिया में या पूरे दुनिया में ऐसा कौन सा ब्राउजर का एप्लीकेशन है जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है और उसे क्यों यूज किया जाता है, क्या आप बता सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही पहचाना, गूगल क्रोम। गूगल क्रोम एक ऐसा ब्राउजर का एप्लीकेशन है जो इंडिया में भी और पूरी दुनिया में भी बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा इस्तेमाल या इसे यूज किया जाता है, क्योंकि ये फास्ट है और उसके अंदर काफी अच्छे फीचर्स दिए गए हैं। इसलिए इंडिया में भी और पूरी दुनिया में ये पॉपुलर हुआ है और उसके वजह से ये सबसे ज्यादा इसका यूज किया जा रहा है। और उस गूगल क्रोम के बारे में कुछ खास फीचर्स है जो आज आपको इस वीडियो के अंदर पता चलने वाले है, उसके जो टिप्स एंड ट्रिक्स है आपको इस वीडियो के अंदर पता चलने वाले है, तो आप ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील राउत और आप देख रहे हैं न्यू टेक आविष्कार यूट्यूब चैनल। वीडियो सिर्फ लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वीडियो गूगल क्रोम के टिप्स एंड ट्रिक्स। नंबर वन ट्रिक्स, माइक्रोफोन। गूगल क्रोम में माइक्रोफोन किस तरह से यूज किया जाता है काफी लोगों को पता है, कुछ लोगों को पता नहीं है तो उनको भी आज पता चल जाएगा। कीबोर्ड की कोई भी हेल्प आज हम लेने वाले नहीं है, सिर्फ माइक्रोफोन से टाइप करने वाले है। इट इज अ वॉइस टाइपिंग। तो लेट्स सी, यहाँ पे माइक्रोफोन का जो सिंबल दिया है उसके ऊपर हमें क्लिक करना है। टाइम्स ऑफ इंडिया, तो इस तरह से एक टाइपिंग हो जाती है। आप भी इस माइक्रोफोन से अलग अलग टाइप कर सकते हैं। अभी मैंने ये टाइम्स ऑफ इंडिया के जितने सारे सर्च है लाए हैं, अगर आप कुछ अलग ढूंढना चाहते हैं आपको स्पेलिंग माइक्रोफोन में बोलना पड़ेगा। तो इस तरह से ये माइक्रोफोन का शॉर्टकट या उसकी जो ट्रिक्स है यूज करते हैं। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ नेक्स्ट ट्रिक के बारे में, कि मैं एक नया टैब ओपन करने वाला हूँ एक शॉर्टकट की से, कंट्रोल टी से एक नया टैब ओपन हो जाता है। किससे? कंट्रोल टी से एक नया टैब ओपन हो जाता है। अभी मुझे कुछ कैलकुलेशन करना है, ये उसके बाद की एक ट्रिक्स है। तो किस तरह से कैलकुलेशन मैं करता हूँ आप जरा देखिए। आप बहुत सारे लोग मोबाइल में जो कैलकुलेटर है वो यूज करते होंगे। गूगल क्रोम में इनबिल्ट एक कैलकुलेटर दिया है। यहाँ पे आपको जो एड्रेस बार दिख रहा है यहाँ पे सेल्फ आपको एक कैलकुलेटर देखने को मिलेगा। तो किस तरह से काम करता है चलो मैं आपको बता देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 45 + 45, उसका आंसर यहाँ पे नीचे आ रहा है देखिए 90। आप इसके अंदर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ऑल टाइप ऑफ कैलकुलेशन यहाँ पे कर सकते हैं। आपको यहाँ पे दूसरे कोई भी एप्लीकेशन की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। आप यहाँ पे एड्रेस बार में कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। बड़ा से बड़े डिजिट का भी आप यहाँ पे कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। तो इस तरह से ये कैलकुलेशन आता है। मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, कितना भी बड़ा डिजिट हो। मैं यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन आपको करके दिखा रहा हूँ। आप इसके अंदर डिवीजन भी कर सकते हैं। इस तरह से डिवीजन भी आता है, मल्टीप्लिकेशन भी आता है, सब्ट्रैक्शन भी आता है। तो ये सब फंक्शन इस एड्रेस बार में होता है। तो ये सब कैलकुलेशन यहाँ पे एड्रेस बार में होता है। आपको कैलकुलेटर की कोई भी आवश्यकता पड़ने वाली नहीं है। ये ट्रिक्स आपको पहले पता थी या नहीं मुझे जरा कमेंट में बताइए। अगर आप साइंस के, इंजीनियरिंग के या बीकॉम के अगर स्टूडेंट है, आपको एक इंजीनियरिंग वाला जो कैलकुलेटर आता है अगर वो चाहिए तो वो भी आपको इसके अंदर मिल जाएगा। आपको सिर्फ टाइप करना है कैलकुलेटर। बट इस बार मैं आपको एक कीबोर्ड यूज करने वाला नहीं हूँ, मैं माइक्रोफोन यूज करने वाला हूँ। तो यहाँ पे जो माइक्रोफोन है इसके अंदर मैं बोलने वाला हूँ कैलकुलेटर। ये देखिए आप कैलकुलेटर, तो ये आपके सामने प्रेजेंट है इंजीनियरिंग का कैलकुलेटर। अभी आपको यहाँ पे साइन, कॉस, टैन, ये सब कुछ यहाँ पे आप देखने को मिल रहा है। लॉग भी निकाल सकते हैं, एक्सपोनेंशियल भी यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो ये सब फंक्शन यहाँ पे दिए गए हैं, जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट को जो लगते हैं पूरे यहाँ पे इसके अंदर दिया गया है। अभी मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल कैलकुलेशन करके बताने वाला हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे इसका आंसर आ गया है 78/2, इसका आंसर 39 यहाँ पे आ रहा है। आपको यहाँ पे कोई भी कैलकुलेटर का एप्लीकेशन या कैलकुलेटर यूज करने की जरूरत पड़ने वाली नहीं है, क्योंकि गूगल क्रोम में एक अच्छा बेहतरीन कैलकुलेटर आपके लिए दिया है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आगे कौन सी ट्रिक्स यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। बहुत बार क्या होता है दोस्तों कि हमारे पास अलग अलग वीडियो के फॉर्मेट होते हैं, हमारे लैपटॉप में वो प्ले नहीं होते हैं, तो हमें उसको प्ले करने के लिए एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ती है। अगर आपके लैपटॉप में गूगल क्रोम है तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, गूगल क्रोम के अंदर वो सब वीडियो प्ले हो जाते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो चलिए देखते हैं। अभी मेरे पास एक वीडियो है, मैं आपको ये वीडियो गूगल क्रोम में प्ले करके दिखाने वाला हूँ। तो देखिए कैसे प्ले करता हूँ मैं अभी यहाँ पे।
अभी आपको नया टैब ओपन करना है, तो कंट्रोल टी से मैंने एक नया टैब ओपन किया है। जो भी वीडियो प्ले करना है उस वीडियो को ड्रैग करके गूगल का जो नया टैब ओपन किया है वहां पे लाके छोड़ना है, बस बाकी कुछ करना नहीं है। तो कर सकते हैं, तो काफी अच्छा ये फीचर्स मुझे पसंद आया है, जिसके अंदर अलग अलग वीडियो के फॉर्मेट है प्ले होते हैं। अभी मैं आपको एक नेक्स्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। दोस्तों नेक्स्ट ट्रिक है, अगर आपके पास पीडीएफ फाइल है बट पीडीएफ एप्लीकेशन काम नहीं कर रहा है, करप्ट हो चुका है, या आपके लैपटॉप में वो एप्लीकेशन ही नहीं है, तो आपको पीडीएफ फाइल ओपन करनी है तो आप किस तरह से ओपन करेंगे। दोस्तों आपके पास पीडीएफ फाइल है बट पीडीएफ एप्लीकेशन आपके लैपटॉप में, डेस्कटॉप में, मोबाइल में नहीं है और आप उसे ओपन करना चाहते हैं, तो किस तरह से ओपन करेंगे? तो गूगल क्रोम इज द बेस्ट आंसर और बेस्ट सॉल्यूशन फॉर द ऑल एप्लीकेशंस। अभी आपको मैं ये फाइल जो है पीडीएफ की गूगल क्रोम के अंदर ओपन करके बताने वाला हूँ। आपको सिर्फ फाइल को सिलेक्ट करके ड्रैग करना है और इस नए टैब को आके यहाँ पे छोड़ना है, तो इस टैब में आपकी जो पीडीएफ फाइल है वो ओपन हो जाएगी। अभी आपकी जो पीडीएफ फाइल है कितने साइज की है, कितने एमबी की है, उसके हिसाब से फाइल ओपन हो जाती है। अभी ये जो फाइल है पीडीएफ की 16 पेजेस की है और ये इसके अंदर ओपन हो गई है। अगर आपके पास पीडीएफ का एप्लीकेशन नहीं है तो कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सिर्फ गूगल क्रोम में इतने सारे एप्लीकेशन इन बिल्ड दिए हैं कि आप सोचते सोचते थक जाएंगे। तो ये था पीडीएफ फाइल ओपन करने का ट्रिक्स। अभी नेक्स्ट ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ। नेक्स्ट ट्रिक्स है दोस्तों कि कोई टेक्स्ट फाइल है वो भी आपके लैपटॉप में काम नहीं कर रही है, ओपन नहीं हो रही है, आपको उसका भी टेंशन लेना नहीं है, क्योंकि गूगल क्रोम हमारे पास है, वो हमारी पूरी हेल्प करने के लिए ये बनाया गया है। अभी ये मेरे पास एक टेक्स्ट फाइल है, उसे मैं गूगल क्रोम में किस तरह से ओपन करता हूँ आप जरा इसे ध्यान से दिखिए। तो इस फाइल को मैं ड्रैग करके इस नए टैब के ऊपर यहाँ पे ला के छोड़ देता हूँ, तो इस तरह से एक टेक्स्ट फाइल भी यहाँ पे ओपन हो जाती है। ये बहुत काम की ट्रिक्स है दोस्तों, आप इसे जरा ध्यान से समझ लीजिए। मैंने आपको यहाँ पे वीडियो का प्ले करके बताया, पीडीएफ फाइल का भी बताया, उसके बाद टेक्स्ट फाइल भी बताया। अभी मैं आपको यहाँ पे एक फोटो की फाइल भी ओपन करके बताने वाला हूँ। अगर आपके लैपटॉप में, डेस्कटॉप में, मोबाइल में फोटो ओपन करने के लिए जो कुछ सपोर्टेड फॉर्मेट जो रहती है वो फॉर्मेट नहीं है, तो आप उसे कैसे ओपन कर सकते हैं? आपको क्या करना है, जो भी फोटो है उसको ड्रैग करके इस नए टैब के ऊपर लाके छोड़ना है कि फोटो इस गूगल क्रोम में ओपन होते हैं। तो कुछ इस तरह से ये फोटो हमें देखने को मिलता है। अभी देखते हैं आगे कौन से ट्रिक्स हमारे सामने आ रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक म्यूजिक लगाकर उसे म्यूट किस तरह से किया जाता है आपको ये बताने वाला हूँ। दोस्तों क्या होता है, जब भी हम कुछ काम कर रहे थे तो उसके बैकएंड में हम कुछ म्यूजिक सुनना चाहते हैं, अच्छे अच्छे गाने सुनना चाहते हैं, बट क्या होता है इमरजेंसी उसे म्यूट करने की कभी कभी जरूरत पड़ती है, तो उसे म्यूट किस तरह से किया जाता है? आपको इस साउंड का जो वॉल्यूम का बटन है उसके ऊपर जाके उसे म्यूट नहीं करना है, ना ही ये टैब ओपन करके आपको इसको वॉल्यूम कम करना है। आपको सिंपल जो ट्रिक्स मैं अभी आपको बताने वाला हूँ वैसी ट्रिक्स आपको अपनानी है। तो ये जो ट्रिक्स है यहाँ पे आपको जाना है और उसके ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ पे म्यूट सेट करना है। अभी मैं आपको इसका डेमो बताने वाला हूँ। ये गाना मैं प्ले कर रहा हूँ अभी, मैं यहाँ पे अभी काम कर रहा हूँ और मुझे क्या करना है, अभी उस साइड को म्यूट करना है, उस गाने को म्यूट करना है, तो मैं यहाँ पे जाके इसके अंदर उसे म्यूट करता हूँ। तो इस तरह से ये गाने का जो आवाज़ है पूरा बंद हो जाता है। ये एक सिंपल ट्रिक्स है गूगल क्रोम के अंदर, काफ़ी लोग उसको यूज़ करते हैं, क्या आप उसको यूज़ करते हैं या नहीं कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। दोस्तों क्या होता है, अभी हम एक साइट पे काम कर रहे हैं बट वो उसका एक डुप्लीकेट साइट हमें चाहिए कि उसके अंदर कुछ हम सर्च करें। तो अभी ये जो साइट है मेरे सामने ओपन हो गई है बट मैं यहाँ पे उसको छोड़ के एक नेक्स्ट साइट पे जाके उसके अंदर भी मुझे कुछ ढूंढना है, तो उसके लिए हमें एक डुप्लीकेट साइट ओपन करनी है। तो किस तरह से डुप्लीकेट साइट ओपन करते हैं, हमें सिर्फ क्या करना है, इस साइट के जो टैब है उसके ऊपर जाना है और एक डुप्लीकेट का जो बटन है यहाँ पे उसके ऊपर क्लिक करना है। तो इस तरह से और एक डुप्लीकेट उसी साइट का बन जाता है। हमारा काम जो यहाँ पे चालू है और हमें कुछ उसके अंदर जाके और सर्च करना है, तो हम उसके अंदर जाके सर्च करते हैं। ये जो डुप्लीकेट का जो ट्रिक्स है उसे हमें इस तरह से यूज करना है। अभी मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ दोस्तों,
क्या होता है दोस्तों कि कुछ साइट्स है हम उसे रेगुलर वॉच करते हैं तो हमें उसे पिन करने की जरूरत पड़ती है, तो गूगल क्रोम में भी इसे ऑप्शन दिया गया है तो किस तरह से ये पिन किया जाता है। अभी मैं यहाँ पे आपको यूट्यूब की जो साइट्स है ये आपको बताने वाला हूँ उसे किस तरह से पिन किया जाता है। अभी मेरे सामने ये यूट्यूब का जो साइट्स है मैं उसको ओपन कर रहा हूँ, तो ये यूट्यूब का जो साइट है इसको मैं पिन करके आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से पिन का जो ट्रिक्स है काम करता है। मैंने यहाँ पे ये यूट्यूब का जो साइट है ओपन की है, अभी उसको मैं पिन करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपको जाना है ये जो टैब है उसके ऊपर जाके राइट क्लिक करना है और यहाँ पे पिन नाम का जो बटन दिया है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो मैंने यहाँ पे उसे क्लिक कर दिया है। अब नेक्स्ट टाइम आप जब भी इस विंडो को क्लोज करेंगे और दोबारा ओपन करेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये आपको यूट्यूब मिल जाएगा। तो देखते मैं उसे अभी क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है क्लोज कर दिया है, और वापस यहाँ पे नीचे जा रहा हूँ, यहाँ पे गूगल क्रोम का जो ऑप्शन है उसको ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक नया विंडो ओपन हो गया है और उसके साथ यहाँ पे हमने जो यूट्यूब का जो साइट है वो पिन करके जो रखा था यहाँ पे वो आ गया है, उसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो हमारा साइट जो यूट्यूब ओपन हो जाता है। तो इस तरह से पिन करते हैं और उसे यूज़ करते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट ट्रिक है शॉर्टकट क्रिएट करना है। कुछ वेबसाइट जो है हम उसके अंदर रेगुलर काम करते हैं, ऑफिसेस में काम करते हैं या कुछ स्टूडेंट है जिन्हें वो साइट्स रेगुलर लगती है, और काफ़ी लोग हैं जो न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हैं, तो उनके लिए एक अच्छी ट्रिक्स मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे जो आपको तीन डॉट जो दिख रहे हैं उसके ऊपर जाना है और क्लिक करना है, यहाँ पे मोर टूल के ऊपर जाके उसे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे जो क्रिएट शॉर्टकट का जो ऑप्शन है उसे सिलेक्ट करना है। जैसे आप उसे सिलेक्ट करते हैं एक पॉपअप विंडो आपके सामने आ जाती है और आपको यहाँ पे आप ये भी नाम रख सकते हैं या फिर आपको अलग नाम देना चाहते हैं तो वो भी नाम यहाँ पे आप दे सकते हैं। तो इस तरह से मैंने उसे एक लोकमोट टाइम्स का नाम दिया है और उसे मैं आपको यहाँ पे एक विंडो के फॉर्मेट में ओपन करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे टिक लगा देता हूँ और इसे क्रिएट का जो बटन है उसे सिलेक्ट करता हूँ। क्रिएट का बटन के सिलेक्ट करने के बाद क्या होता है दोस्तों, चलिए देखते हैं। दोस्तों अभी मैं आपको डेस्कटॉप पे लेके चलता हूँ। अभी यहाँ पे एक लोकमोट टाइम्स का एक शॉर्टकट क्रिएट हो चुका है। अभी हमारे लैपटॉप के अंदर गूगल क्रोम मैंने क्लोज कर दिया है, डेली हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो ये इसका एक शॉर्टकट है, हमें सिर्फ उसके ऊपर क्लिक करना है और हम जो डेली काम करते हैं पेपर पढ़ने का तो सेम शॉर्टकट के ऊपर क्लिक करके हम वो पेपर पढ़ सकते हैं। हमें हर बार गूगल क्रोम हमारे लैपटॉप में मोबाइल में डेस्कटॉप में ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ इस जो ऑप्शन बनाए के रखा है शॉर्टकट का इसके ऊपर क्लिक करना है और उसे जो न्यूज़पेपर है उसे ओपन करना है और हमारा जो रेगुलर काम है उसे फॉलो करना है। दोस्तों ये थी ट्रिक्स जो शॉर्टकट बनाने की, आपको ये ट्रिक्स कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो ये था क्रिएट शॉर्टकट का एक ट्रिक्स। अभी बढ़ते हैं आगे तो किस तरह से अभी हमको एक पीडीएफ फाइल बनानी है। तो दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, नोट्स है या डॉक्यूमेंट्स है ये आपको पीडीएफ में अगर कन्वर्ट करना है तो गूगल क्रोम के अंदर इनबिल्ट पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन दिया है, आपको दूसरा एप्लीकेशन डाउनलोड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ मैं जो स्टेप बता रहा हूँ आपको फॉलो करना है। यहाँ पे जो तीन डॉट आपको जो दिख रहे हैं उसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे जो प्रिंट नाम का जो बटन है उसके ऊपर क्लिक करना है। क्या करना है, क्लिक करना है और यहाँ पे अब उसका जो लेआउट है दोस्तों हम जो देख रहे हैं ये इट इज़ नॉट पोर्ट्रेट इट इज़ लैंडस्केप, आपको सिलेक्ट करना है इसे, लैंडस्केप ऑप्शन सिलेक्ट करना है और उसके बाद क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे जो ऑप्शन आते हैं उसके अंदर सेव एज पीडीएफ का ऑप्शन आपको लेना है और यहाँ पे सेव नाउ का जो बटन है उसके ऊपर क्लिक करना है और आपको एक फाइल का नाम देना है। अभी मैं इसको एक नाम देना चाहता हूँ, इसे नाम दूंगा मैं, इसे मैं MBA प्रोजेक्ट रिपोर्ट का नाम देके इसे इस गूगल फोल्डर में सेव करता हूँ और सेव करने के बाद ये फाइल किस तरह से देखते हैं, चलिए देखते हैं। MBA प्रोजेक्ट रिपोर्ट ये फाइल है उसे मैं अभी आपको ओपन करके बता रहा हूँ। ये फाइल PDF के फॉर्मेट में ही ओपन हो गई और ये फाइल कुछ इस तरह से वह हमें देखने को मिल रही है, यानी हमारी जो फाइल है PDF में कन्वर्ट हो गई है। तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छा पसंद आया है। अभी मैं आपको नेक्स्ट ट्रिक की तरफ लेके चलने वाला हूँ। दोस्तों नेक्स्ट ट्रिक्स जो है वो बहुत काफ़ी अच्छी ट्रिक्स आपके लिए साबित होने वाली है क्योंकि आपके कुछ प्रॉब्लम्स उस ट्रिक्स के जरिए आप सॉल्व करने वाले हैं। बुकमार्क किस तरह से करते हैं और किस तरह से उसे ओपन भी करते हैं ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैंने दोस्तों
अमेजोन की जो वेबसाइट है मैंने यहाँ पे ओपन की है और इसे बुकमार्क किस तरह से करते हैं अभी आपको पता चलने वाला है। साइट ओपन होने के बाद यहाँ पे जो स्टार का जो सिंबल है यहाँ पे ऐड बुकमार्क का जो ऑप्शन जो आता है उसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप इसे जो नाम देना चाहते हैं तो नाम दे सकते हैं या जो पहला जो लंबा वाला जो टाइटल था वो भी रख सकते हैं, बट मैं यहाँ पे अमेजोन सिर्फ इतना नाम देना चाहता हूँ, इसे मैंने अमेजोन नाम दिया है और इसे डन के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। डन करने के बाद उसका बुकमार्क ऐड हो जाता है। दोस्तों अभी मैं वापस आपको एक नेक्स्ट बुकमार्क करके बता रहा हूँ, वो है फ्लिपकार्ट का। ये भी साइट काफ़ी लोग डेली देखते हैं, वीकली मंथली देखते हैं, उसे ज़रूरत पड़ती है, हर बार हमें flipkart.com लिखने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो ये फ्लिपकार्ट की जो वेबसाइट है मैंने यहाँ पे ओपन की है और उसके बाद यहाँ पे बुकमार्क का जो ऑप्शन दिया है उसके ऊपर सेलेक्ट किया है और यहाँ पे ऐड बुकमार्क का जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे मैं फ्लिपकार्ट जो नाम है इसे लिखता हूँ और यहाँ पे डन बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो इस तरह से इसका भी बुकमार्क ऐड हो गया है। अब ये बुकमार्क किस तरह से काम करता है अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि बुकमार्क किस तरह से काम करता है। अभी मैं एक नया फ्रेश गूगल क्रोम ओपन करता हूँ। आपको यहाँ पे अमेजोन और फ्लिपकार्ट का जो बटन दिख रहा है ये बुकमार्क है। अभी मैं सिर्फ इसके ऊपर क्लिक करने वाला हूँ और जैसे क्लिक करता हूँ तो ये अमेजोन की साइट है ओपन हो जाती है। मैं यहाँ पे अमेजोन का जो वर्ड्स है पूरा टाइप नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ क्लिक कर रहा हूँ। अभी मैं फ्लिपकार्ट का जो बुकमार्क है क्योंकि उसकी साइट से ओपन करना चाहता हूँ तो मैं सिर्फ यहाँ पे फ्लिपकार्ट के जो बटन है उसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये फ्लिपकार्ट की भी साइट ओपन हो जाती है। दोस्तों हर बार आपको ये टाइप करने की जरूरत नहीं है और ना ही एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की जरूरत है, आपको सिर्फ ये बुकमार्क करना है और क्लिक करना है। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। दोस्तों क्या होता है कि हम गूगल क्रोम के अंदर कुछ काम कर रहे हैं उस टाइम क्या होता है, गलती से हम कुछ टैब जो है क्लोज करते हैं। जैसे मैं अभी आपको यहाँ पे जो ये टैब ओपन किया है उसे क्लोज करता हूँ, ये भी क्लोज कर दिया। अब ये फ्लिपकार्ट का भी टैब मैंने क्लोज कर दिया है। अब समझ लीजिए ये साइट मुझे पता है, बगैर कुछ ऐसी साइट होती है जो हमें पता नहीं रहती है, हम उसके अंदर काम करते हैं। अब ये तो साइट क्लोज हो गई है बट हमें वही वेबसाइट वापस चाहिए तो उसको किस तरह से वापस लाते हैं, तो ये उनके लिए खास ट्रिक्स है जो क्लोज करने के बाद उनको वही वेबसाइट लगती है। उसके दो तरीके हैं। पहला जो तरीका है दोस्तों, करना क्या है आपको, आपने जो भी टैब क्लोज किए थे तो उसके लिए एक शॉर्टकट कीज़ है उसको इस्तेमाल या उसे यूज करना है। तो वो शॉर्टकट कीज़ है कंट्रोल शिफ्ट टी। एक की दबाने के बाद क्या होता है अभी मैं आपको बता रहा हूँ। कंट्रोल शिफ्ट टी, जो आपने टैब क्लोज किए थे वो टैब ओपन होते हैं। अभी फ्लिपकार्ट का जो टैब था आपने क्लोज किया था वो टैब ओपन हो गया। वापस एक बार प्रेस करेंगे तो वापस आपने जो दूसरा टैब था जो क्लोज किया था वो भी टैब वापस आ जाता है। काफी अच्छे ट्रिक से यूज करके मुझे कमेंट में बताना। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट ट्रिक जो है वो भी काफी अच्छी ट्रिक्स है, सिंपल है। स्पेस बार आपने यूज किया होगा, अभी ये गूगल क्रोम मेरे सामने ओपन है, मैं अभी क्या करने वाला हूँ स्पेस बार दबा रहा हूँ। तो स्पेस बार से क्या हो रहा है दोस्तों, ये पेज नीचे जा रहा है, ठीक है। अब ये ऊपर लेके जाना है, क्या करना है ऊपर लेके जाना है तो उसके लिए शॉर्टकट की यूज करना है। तो शिफ्ट प्लस स्पेस से क्या होता है, देखिए शिफ्ट प्लस स्पेस से क्या होता है, ये पेज अप होता है। स्पेस बटन दबाने के बाद ये पेज डाउन हो जाता है और शिफ्ट स्पेस से ये ऊपर हो जाता है, अप हो जाता है। ये शॉर्टकट कीज है, ये आप जरा गूगल क्रोम के बारे में ध्यान रखिए। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो नेक्स्ट ट्रिक वो भी काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग है। क्या होता है दोस्तों, हमें गूगल क्रोम या गूगल में बहुत अच्छी काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, हमें वो इन्फॉर्मेशन पढ़ के या वो वीडियो देख के हमें बहुत अच्छा लगता है और कुछ दिनों के बाद हम भूल जाते हैं हमने क्या पढ़ा था और कौन सा वीडियो देखा था। आप भूल सकते हैं बट गूगल क्रोम वो चीज़ नहीं भूल सकता है। गूगल क्रोम के अंदर वो जो नोट्स है या न्यूज़ है या वीडियोस है या डॉक्यूमेंट्स है वो ध्यान में रखता है। अगर आपको वही फाइल चाहिए जो आपने कुछ दिन पहले या कुछ महीने पहले वो पढ़ी थी तो आपको वो फाइल मिल सकती है, बहुत आसान और सिंपल तरीके से वो फाइल आपको मिल सकती है। सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं, आज की जो तारीख है, आज की तारीख है 16 तारीख। अभी पिछले महीने में एक 10 तारीख को आपने कुछ अच्छी वेबसाइट पे जाके सर्च किया था, एक अच्छा वीडियो देखा था, तो वो क्या वीडियो देखा था आपको पता करना है। तो आप किस तरह से पता करेंगे, आपको कन्फर्म है कि पिछले महीने में ये तारीख को ये 4-5 दिन के आगे पीछे तारीख को आपने एक अच्छी
वीडियो देखी थी या अच्छी न्यूज देखी थी, एक अच्छा नोट्स पढ़ा था, वो आपको चाहिए आज की डेट में चाहिए, तो उसे किस तरह से लाना है। आपने उस वेबसाइट को या उस वीडियो को नाम आप भूल गए हैं, आपको वही न्यूज या वही वीडियो चाहिए, आपको किस तरह से मिल सकता है। तो चलिए ये खास ट्रिक उन्हीं लोगों के लिए है। आपको करना क्या है, आपको एक शॉर्टकट की यूज करना है। कौन सी शॉर्टकट की? Ctrl+H। कौन सी की यूज करना है? उसके दो तरीके हैं। पहला तरीका है Ctrl+H। तो Ctrl+H में दबाता हूँ तो क्या होता है, Ctrl+H में जैसे ही प्रेस करता हूँ तो मेरे सामने एक कुछ जादू हो जाते हैं और इस तरह से विंडो मेरे सामने आ जाती है। अगर आपको Ctrl+H नहीं दबाना है तो आपको इस तीन डॉट के ऊपर क्लिक करके ये जो हिस्ट्री नाम का जो बटन है उसके ऊपर क्लिक करना है। अभी हम जाने वाले हैं पीछे, तो पीछे किस तरह से जाते हैं, मैं जा रहा हूँ अभी कुछ पीछे, ये पीछे जा रहा हूँ मैं दोस्तों यहाँ पे डेट आ गई है सैटरडे March 6। March 6 को मैं वो न्यूज़ पढ़ी थी कि जिसके अंदर कुछ खास था, तो सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, जियो लैपटॉप की जो न्यूज़ थी मैंने March 6 को पढ़ा था, अब उसके अंदर क्या डिटेल्स थे वो भी मुझे जानना है। तो ये वीडियो हो सकता है, नोट्स हो सकता है, न्यूज़ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो इंपॉर्टेंट वेबसाइट है। आपको वो 6 मार्च को जो हो गया था उसको ओपन करके आप देखना चाहते हैं उसके अंदर जो खास लिखा था, तो उसके ऊपर सिर्फ ये लिंक के ऊपर क्लिक करना है, बाकी आपको कुछ करना नहीं है। लिंक के ऊपर क्लिक करना है तो आपने उस दिन जो पढ़ा था वो पूरी इंफॉर्मेशन आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगी। जैसे मैंने ये 6 मार्च को ये पढ़ा था कि जियो का लैपटॉप आने वाला है 10,000 रुपये में, इसकी न्यूज़ पढ़ी थी। अभी अप्रैल 16 चालू है तो उसके अंदर क्या क्या रहने वाला मैं भूल गया, सपोज़ मैं भूल गया उसकी प्राइस क्या थी, उसके अंदर क्या क्या दिया गया है, तो ये सब इंफॉर्मेशन गूगल ने ध्यान में रखी है और मुझे वापस ये हिस्ट्री के फॉर्मेट में दी गई है। तो इसके अंदर जो भी कुछ खास फीचर्स थे इस लैपटॉप के अंदर पूरे यहाँ पे लिखे है, हमें ध्यान में रखने की कोई ज़रूरत नहीं, गूगल क्रोम सब बातें ध्यान में रखता है और जब चाहिए वो हमें वापस भी देता है। ये काफ़ी अच्छा जो ट्रिक्स है गूगल क्रोम का मुझे पसंद आया है। क्या आपको ये ट्रिक्स पसंद आया है? अगर पसंद आया है तो इस बात पर इस वीडियो को लाइक हो जाए और नीचे कमेंट में आप इस ट्रिक्स के बारे में लिख सकते हैं आपके ट्रिक्स किस तरह से लगा है। दोस्तों बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो नेक्स्ट ट्रिक्स जो है वो भी अच्छा ट्रिक्स है। आपके पास एक नंबर है दोस्तों, क्या है, एक नंबर है, जैसे मैं एक यहाँ पे एक नंबर लिखता हूँ, ठीक है, ये नंबर जो लिखा है आपको इसे वर्ड में कन्वर्ट करना है। तो आप इसे किस तरह से वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, इज इक्वल टू लिखना है आपको और यहाँ पे क्या लिखना है, इंग्लिश, क्या लिखना है, इंग्लिश। दोस्तों ये सब मैं एड्रेस बार में कर रहा हूँ, मैंने नंबर लिखा है और इज इक्वल टू इंग्लिश लिखा है, तो नीचे ये वर्ड फॉर्मेट में लिख कर आ गया है 78,545,485। तो ये इस तरह से वर्ड में कन्वर्ट करता है, तो ये काफ़ी अच्छा ट्रिक्स है, बहुत सारे लोग इसे यूज़ करते हैं। दोस्तों अभी हम चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। नेक्स्ट ट्रिक जो है वो उन लोगों के लिए है जो मूवीज़ देखते हैं, फिल्म्स देखते हैं, तो उन्हीं के लिए ट्रिक्स है। क्या होता है कि हम गूगल में जाके वो मूवीज़ है वो ढूंढते हैं, बट वो मूवीज़ हमें ढूंढते ढूंढते हम परेशान हो जाती है, बट वो मूवीज़ हमें मिलती नहीं है। तो आपको किस तरह से मूवीज़ ढूंढना है, जैसे मैं अभी आपको यहाँ पे एक मूवी ढूंढ के बताने वाला हूँ, मैं यहाँ पे आपको एक मूवीज़ ढूंढ के बताने वाला हूँ, जैसे स्पाइडरमैन एग्जांपल दे रहा हूँ, स्पाइडरमैन ये जो मूवी है, ठीक है, ये मूवीज है स्पाइडरमैन, तो इसके आगे क्या लिखना है आपको, आपको लिखना है गूगल ड्राइव, क्या लिखना है, गूगल ड्राइव। अब क्या होगा दोस्तों आपको क्या करना है, आपको सिर्फ मूवीज का नाम लिखना है और उसके बाद गूगल ड्राइव के नाम लिखना है और ये आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद जिन लोगों ने इस मूवीज को गूगल ड्राइव के अंदर अपलोड किया है तो उसका जो ड्राइव है वहाँ से आप वो मूवीज डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत ईजी तरीका है, आपको वो मूवीज मिल सकती है। ये थी मूवीज डाउनलोड करने की ट्रिक्स। दोस्तों अभी मैं आपको एक ट्रिक्स बताने वाला हूँ। काफ़ी लोग क्या करते हैं, गूगल की वेबसाइट जो है ओपन करने के लिए यहाँ पे हर बार वो गूगल टाइप करते हैं और इस तरह से गूगल का पेज ओपन करते हैं। आपको ये काम बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि आपको स्मार्ट काम करना है।
तो आपको सिर्फ एड्रेस बार में सिर्फ लिखना है, आपको जो भी चाहिए गूगल की वेबसाइट का जो एड्रेस है हर बार एड्रेस बार में डालने की जरूरत नहीं है, आपको जो भी कुछ सर्च करना है एड्रेस बार में ही सर्च करना है, जैसे मैं अभी सर्च करने वाला हूँ हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, ये सर्च करने वाला हूँ। तो ये एड्रेस बार में आपको टाइप करना है और आपको सर्च करना है, तो इसे डायरेक्ट सर्च बोलते हैं। इस ट्रिक्स को इस तरह से यूज किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट ट्रिक जो है वो भी काफी अच्छी ट्रिक्स है। कुछ लोगों को ये जो वर्ड्स दिखते हैं वो छोटे दिखते हैं, उन्हें थोड़े से बड़े वर्ड दिखने चाहिए, तो उनके लिए खास ट्रिक्स है। आप करना क्या है, आपको वेबसाइट ओपन करनी है, सपोज आपको ये जो वर्ड्स है मेरे लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर छोटे दिख रहे हैं, अभी आपको उसको बड़ा करना है, तो उसके लिए एक शॉर्टकट कीज है कंट्रोल प्लस। क्या करना है, कंट्रोल प्लस से देखिए आप क्या हो रहा है स्क्रीन के ऊपर। तो इस तरह से ये फॉन्ट है ये बड़े हो गए हैं, आपको कंट्रोल प्लस और माइनस से आप ये काम कर सकते हैं। तो अभी मैंने कंट्रोल प्लस से उसे बड़ा किया है, तो आप इसे ठीक तरह से पढ़ सकते हैं, और वापस आपको जैसा था वैसा करना है तो आपको कंट्रोल माइनस करना है। ये इस तरह से जूम इन जूम आउट जो रहता है फंक्शन वो काम करता है। तो ये भी एक अच्छी ट्रिक्स है, जिन लोगों को अक्षर जो है या वर्ड्स है वो बड़े दिखने चाहिए तो वो कंट्रोल प्लस करके उसे पढ़ सकते हैं, और छोटे करना है तो कंट्रोल माइनस उसे छोटे भी किया जाता है। तो इस तरह से ये काम करता है। अभी बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट ट्रिक की तरफ, तो नेक्स्ट ट्रिक की तरफ अभी जाना है हमको। यहाँ पे डेट और टाइम दिया गया है, बट हमें करंट क्या डेट है या टाइम है। अब ये डेट और टाइम आपके लैपटॉप में रॉन्ग होती है कभी कभी, उसका जो अंदर का बैटरी का जो सेल है या फिर कोई गलत सेट किया जाता है। हमें करेक्ट डेट और करेक्ट टाइम क्या है उसे देखने के लिए हमें सिर्फ यहाँ पे टाइप करना है डेट एंड टाइम टुडे। क्या टाइप करना है, डेट एंड टाइम टुडे, डेट एंड टाइम टुडे ऐसा लिखना है और एंटर की प्रेस करना है, आपके सामने डेट और टाइम आ जाएगी। तो 3:49 पे और 16 अप्रैल ऐसी तारीख यहाँ पे आ रही है, तो ये करेक्ट डेट और टाइम यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। दोस्तों अब ये तो मैंने आपको डेट और टाइम बता दिया है, ये तो इंडिया के लिए हो गया है डेट और टाइम। अभी मैं जानना चाहता हूँ इस वक्त दुबई में क्या टाइम हुआ है, तो उसके लिए क्या ट्रिक्स है। आपको सिर्फ लिखना है यहाँ पे टाइम और उस सिटी का नाम लिखना है। वो आपको क्या लिखना है, यहाँ पे दुबई लिखता हूँ मैं, यहाँ पे क्या लिखता हूँ दुबई, और देखते हैं आगे। तो इस वक्त दुबई में 2:20 पे हो गए है, क्या हो गए है 2:20 दुबई में हो गए है, और हमारे यहाँ पे 3:51 हो गए है। तो इस तरह से ये टाइम आप पता कर सकते हैं। आप सिर्फ दुबई का नहीं पूरे वर्ल्ड में जितने सारे कंट्रीज हैं उसके अंदर के भी टाइम पता कर सकते हैं। अभी मैं आपको टाइम अमेरिका भी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे मैंने टाइम अमेरिका डाला तो यहाँ पे 6:21 AM आ गया है। हमारे यहाँ पे शाम होने को जा रही है और अमेरिका में वाशिंगटन में सुबह होने को जा रही है। 6:21 अमेरिका के हो गए है सुबह के, तो इतना सारा टाइम का डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। ये बहुत अच्छी ट्रिक्स है दूसरे कंट्री के अंदर कि वहाँ पे क्या टाइम चल रहा है। सिर्फ टाइम लिखना है और आगे कंट्री का नाम आपको देना है, आपको उसके अलावा कुछ करना नहीं है। अभी नेक्स्ट ट्रिक्स जो है दोस्तों वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अभी जो ट्रिक्स हम देखने वाले हैं ये भी काफ़ी अच्छी ट्रिक्स है। हमें स्टॉप वॉच या टाइमर की ज़रूरत है तो हमें ये गूगल क्रोम के अंदर मिल जाता है। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, क्या लिखना है यहाँ पे सेट टाइमर, क्या लिखना है सेट टाइमर, और कितने टाइम के लिए हमें सेट टाइम करना है। अभी मैं एग्जांपल लेता हूँ, 1 मिनट के लिए आप 10 मिनट के लिए ले सकते हैं या 5 मिनट के लिए ले सकते हैं। तो इस टाइम के हिसाब से आप उसे ये स्टॉप वॉच बोलिए या टाइमर बोलिए आप लगा सकते हैं। अभी सपोज मैं यहाँ पे 1 मिनट के लिए यहाँ पे उसे सेलेक्ट करता हूँ तो ये स्टॉप वॉच है या टाइमर है यहाँ पे आ जाता है। गूगल क्रोम के अंदर ये इनबिल्ट टाइमर और स्टॉप वॉच मिलता है, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये टाइमर जो है उसका काउंट डाउन शुरू हो जाता है। तो इस तरह से टाइमर काम करता है। अगर आपको स्टॉप वॉच को भी यूज़ करना है तो सेम प्रोसेस है, यहाँ पे स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है तो इस तरह से ये स्टॉप वॉच जो है काम करती है। ये भी काफ़ी अच्छा ट्रिक्स मुझे पसंद आया। दोस्तों मैंने यहाँ पे टाइप किया है वेदर टुडे, तो इसके बाद एंटर की दबाना है। एंटर की दबाने के बाद यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है कि टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री का टेम्परेचर है और
प्रीसिपिटेशन 0 है, ह्यूमिडिटी 21% है, वाइंड 6 किलोमीटर पर हावर है। तो इस तरह से ये वेदर जो है मेरे एरिया का यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है और ये गूगल क्रोम काम कर रहा है और ये उसका हिस्ट्री भी बता रहा है। ये वेदर का रिपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो कितना टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी कितनी है, वाइंड का क्या है और क्लाउड जो है यहाँ पे क्लियर विथ पीरियडिक क्लाउड्स यहाँ पे लिखा है। तो ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन हमें गूगल क्रोम देता है। आपको कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ये गूगल क्रोम के अंदर इनबिल्ट दिया गया है। अभी मैं आपको नेक्स्ट ट्रिक्स जो बता रहा हूँ वो भी काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग ट्रिक्स है। तो क्या होता है दोस्तों, एक सिटी से दूसरे सिटी से या एक स्टेट से लेकर दूसरे स्टेट तक हमें डिस्टेंस कितना है ये पता करना है। तो हमें सिर्फ क्या लिखना है यहाँ पे, डिस्टेंस, और हम डिस्टेंस लिखने वाले हैं मुंबई, और उसके बाद कुछ लिखना नहीं है यहाँ पे, लिखना है डिस्टेंस मुंबई पुणे, इतना ही लिखना है। हमें डिस्टेंस कौन से सिटी का मेजर करना है, पहले डिस्टेंस से वर्ड लिखना है, उसके बाद पहले सिटी का नाम लिखना है, उसके बाद दूसरे सिटी का नाम लिखना है और एंटर की दबाना है। पहले हमें डिस्टेंस लिखना है, उसके बाद पहले सिटी का नाम लेना है और स्पेस देके दूसरे सिटी का नाम टाइप करना है। इस तरह से हमें डिस्टेंस कितना है दोनों सिटी के अंदर वो चेकआउट कर सकते हैं। अभी मुंबई टू पुणे जो डिस्टेंस है यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, 147.8 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 2 hours 47 minutes लगते हैं। एक अच्छी काफ़ी ट्रिक्स है, आपको सिर्फ यहाँ पे डिस्टेंस लिखना है और दो सिटी का नाम लिखना है, आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। इसके बाद की जो ट्रिक्स है दोस्तों वो भी आपके काम में आने वाली ट्रिक्स है। आप अगर दूसरे सिटी में जाते हैं, दूसरे स्टेट में जाते हैं, तो आपके आसपास कौन सा होटल है आपको मालूम नहीं है, तो आपको कौन बताएगा कि आप जिस एरिया में गए हैं वहाँ पे कौन से होटल है। आप क्या लिखना है, रेस्टोरेंट्स लिखना है यहाँ पे, क्या लिखना है, रेस्टोरेंट्स नियर मी, ऐसा लिखना है, रेस्टोरेंट्स नियर मी, और एंटर की प्रेस करना है। एंटर की जैसे प्रेस करते हैं आपके, आप जिस एरिया में गए हैं वहाँ पे कौन से होटल है और किस तरह के होटल है ये सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो है होटल रायबा, होटल पूनम, उसके बाद ये सूर्य बंधु फैमिली, इस तरह के होटल नाम की लिस्ट आ जाएगी, वेज है नॉन वेज है वो भी आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद गार्डन रेस्टोरेंट है वो भी यहाँ पे लिखे हुए आपको मिल जाएंगे। आप जिस एरिया में जाते हैं तो आप वहाँ पे गूगल क्रोम का एप्लीकेशन ओपन करके रेस्टोरेंट्स नियर मी इतना लिखना है, तो आपके आसपास कौन से रेस्टोरेंट हैं आपको मिल जाएंगे। तो ये था ट्रिक्स दोस्तों। नेक्स्ट ट्रिक्स वो भी इंटरेस्टिंग है, आपको पता करना है कि इंडिया के अंदर कितना पॉपुलेशन है। तो आपको सिर्फ लिखना है यहाँ पे पॉपुलेशन, क्या लिखना है, और उसके बाद यहाँ पे उस कंट्री का नाम देना है। अभी मैं यहाँ पे इंडिया का नाम दे रहा हूँ कि कितना पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन लिखना है, उसके बाद वो कंट्री का नाम देना है। उसके बाद क्या होता है, तो इंडिया के अंदर कितना पॉपुलेशन है यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। और ये जो रिकॉर्ड है ये 2019 तक अपडेट किया वाला रिकॉर्ड है गूगल ने, ये जो रिकॉर्ड से गूगल ने 2019 तक ही अपडेट किया है, तो वहाँ तक ही रिकॉर्ड हमें देखने को मिलेगा। जिस कंट्री की आप पॉपुलेशन ढूंढना चाहते हैं आपको सिर्फ पॉपुलेशन वर्ड टाइप करना है और उसके बाद उस कंट्री का नाम लिखना है। मैं यहाँ पे अभी दुबई का नाम लिख रहा हूँ, दुबई के अंदर कितना पॉपुलेशन है, तो यहाँ पे 33.3 lakhs ये पॉपुलेशन वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है और ये भी 2019 तक ही डेटा अपलोड है। तो इस तरह से ये पॉपुलेशन का जो ट्रिक्स है यूज़ किया जाता है। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ नेक्स्ट ट्रिक्स है दोस्तों, हॉलीडे कब है। मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल बताने वाला हूँ, इंडिपेंडेंस जो है कब आता है वो भी 2021 में, उसकी डेट और कौन सा डे आता है हमें वो पता करना है। तो इंडिपेंडेंस डे जो है यहाँ पे मैंने टाइप किया है और 2021 ये ईयर लिखा है, तो यहाँ पे आता है संडे। तो 15 अगस्त कब आता है, ये संडे को आता है, तो हमारी छुट्टी इस साल चली गई है, तो ये काफ़ी अच्छा हमारे लिए नहीं है पर ट्रिक अच्छी है। अभी हमको पता करना है 2022 में इंडिपेंडेंस डे कौन से डे को आ रहा है, तो मंडे को आ रहा है, यानी अगले साल को हमें दो छुट्टी मिलने वाली है, संडे और मंडे। ये भी एक अच्छी ट्रिक्स है दोस्तों। लास्ट का जो ट्रिक्स है वो बच्चों के लिए है, अगर आप कोई बच्चों को पढ़ाता है तो उनके लिए ट्रिक्स है। अगर आपको कुछ एनिमल के साउंड्स है उनको सुनाना चाहते हैं तो गूगल क्रोम में वो भी काम आपके लिए किया है। तो आपको सिर्फ यहाँ पे एड्रेस बार में क्या लिखना है, एनिमल साउंड्स, क्या लिखना है, एनिमल साउंड लिखना है और टाइप
एनिमल साउंड्स लिखना है और एंटर की दबाना है और यहाँ पे सारे एनिमल्स आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पे पूरे एनिमल की जो लिस्ट है यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी और उसके जो साउंड्स है यहाँ पे आपको सुनने को मिलने वाले हैं, आपको उस साउंड पूरे सुनने को मिलने वाले है। यहाँ पे मैं एक साउंड कुछ एग्जाम्पल सुना के बताने वाला हूँ। ये था कॉक का साउंड, अभी मैं इसका चिकन का साउंड सुनाने वाला हूँ। अभी मैं कैट का साउंड आपको सुना के दिखाने वाला हूँ। तो इस तरह से आप बच्चों को इस साउंड जो है सुना के दिखा सकते हैं। ये पूरी जो लिस्ट है यहाँ पे ये एनिमल की यहाँ पे आपको मिलने वाली है। बच्चों के लिए ये काफी इंटरेस्टिंग कुछ एनिमल के जो साउंड है यहाँ पे दे गए हैं, ये एक अच्छी ट्रिक्स है बच्चों के लिए। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पूरे दिल से या मन से वीडियो अच्छा लगा है तो उसी दिल से इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने अच्छे फ्रेंड्स जो है उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ये पता चले कि ये गूगल क्रोम के जो ट्रिक्स है बहुत काम की चीज़ है तो उनके काम आ सके। तो दोस्तों खत्म करता हूँ मैं यहाँ पे वीडियो और मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में।